Trigonometry students, we are studying chapter number 5, coal and petroleum. In this chapter, we have studied about coal and petroleum. So, petroleum ki formation ke baare mein humne study kiya tha, ki petroleum ki formation kaise hoti hai, samudra ke andar hoti hai, jo organism hote hain, wo dead ho gaye, uske baad uske upar clay, sand, ye sab deposit hona start hua, aur ye sab dheere dheere karke petroleum mein convert ho gaya. पेट्रोलियम इस पेट्रोलियम को जो होता है ये इम्प्रीवियस रॉक और पोरस रॉक होते हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाता है तो ऑयल वेल जाते हैं जिनको हम ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं. तो जैसे ड्रिलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था ड्रिलिंग कैसे की जाती है और ड्रिलिंग करने के बाद जो पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. अब क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल डीजल जो हम यूज करते हैं ये रिफाइंड फॉर्म में होता है, शुद्ध फॉर्म में होता है. तो ये कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हम क्रूड ऑयल जो होता है क्रूड पेट्रोलियम उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं. तो प्योर करने का जो मेथड है, तरीका है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे किया जाती है, रिफाइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं तो इनको सेपरेट करने को ही रिफाइनिंग कहते हैं. रिफाइनिंग कैसे की जाती है, रिफाइनिंग के लिए प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जितने पेट्रोलियम के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. इसके लिए हमें फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम होता है, ये एक फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम है. तो इसमें कॉलम बने हुए हैं, अलग पार्ट्स बने हुए हैं. तो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कॉलम में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट सेपरेट होता चला जाता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फर्नेस लेते हैं, फर्नेस में जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम 400 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं. तो जब इसकी हीटिंग करते हैं तो इससे वेपर्स निकलती है. तो वेपर्स क्या होते हैं, ये जो बीच में शो हुई है ये क्या है, ये शैलो ट्रेज होती है, ट्रेज इनमें से वेपर्स स्ट्राइक होती है. और क्योंकि जैसे वेपर ऊपर उठती है तो वो इन ट्रे से टकराती है, स्ट्राइक करती है और कंडेंस होती है. तो अब जो ये टेम्परेचर मैंने शो कर रखी है 20, 120, 180, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है. तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो तो नीचे ही कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो यही ट्रे से टकरा कर ऊपर नहीं कंडेंस हो जाती है हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले. और जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है वो ऊपर ट्रे तक, ऊपर तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर वेपर कंडेंस होती है. तो वेपर में स्टार्टिंग में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है तो 350 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कंडेंस होती है. तो हमें क्या मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है. फ्यूल ऑयल शिप में यूज होता है. उसके बाद वेपर ऊपर जाती है, ऊपर वाले कॉलम में जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलते हैं और पॉलिशियर मिलती है. लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे कि ग्रीस ऑयल होता है, ग्रीस होती है और मोबिल ऑयल होता है. तो ये सब हमें 300 डिग्री सेल्सियस पर मिल जाते हैं. इसके बाद वेपर ऊपर उठती हैं, दूसरे कॉलम में जाती हैं तो 260 डिग्री सेल्सियस जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उस पर वेपर कंडेंस होती है और हमें क्या मिलता है, डीजल मिलता है. डीजल किसमें यूज होता है, बस, ट्रक, कार, इनमें एज ए फ्यूल यूज होता है डीजल. उसके बाद ऊपर उठती हैं वेपर, नेक्स्ट कॉलम में जाती हैं तो जब 180 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है तो जेट फ्यूल मिलता है और पैराफिन मिलता है. जेट फ्यूल का मतलब है जो जेट प्लेन्स होते हैं उनमें एज ए फ्यूल यूज होता है जेट फ्यूल. इसके बाद वेपर और ऊपर उठती है इन शैलो ट्रेस के टकराकर स्ट्राइक करके जो वेपर ऊपर उठती है और 120 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जब हो जाता है तो उसमें हमें नेफ्था मिलता है. नेफ्था केमिकल्स है. और इसके बाद जो वेपर ऊपर उठती है वो 70 डिग्री सेल्सियस जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है. पेट्रोल सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है. पेट्रोल क्योंकि सब काम फ्री व्हीकल हैं, मोस्टली व्हीकल वो स्कूटर, बाइक, कार, ये सब पेट्रोल यूज होता है इसमें एज ए फ्यूल. उसके बाद जो वेपर बचती हैं ऊपर वो जिनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट तो वो बाहर निकल जाती है, आउट हो जाती है. तो वो होती क्या होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनको नेचुरल गैस भी कहते हैं. तो ये सब
बाहर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर हमें अलग अलग प्रशीतन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन हो रहा है और हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेट प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे नीचे हमें क्या मिलता है, रेसिड्यू मिलता है। रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू का मतलब शेष, यानी अवशेष जो बच जाता है। तो वो किस लिए होता है, बिटुमेन फॉर रोड। तो इसमें क्या होता है, बिटुमेन होता है। बिटुमेन किस लिए होता है, रोड की सर्विसिंग के लिए, जो सड़क बनाते हैं उसमें बिटुमेन का यूज होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम होता है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है पेट्रोल का। क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग करके वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर हमें अलग अलग कंसिस्टेंट प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस टॉपिक को आप केयरफुली स्टडी कीजिए और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।